तृतीय सदस्य का दर्जा दिलाने का अभियान है कि जब सत्ता में रहेंगे भाजपा के साथ तो वो नहीं मांगेंगे भाजपा से, अब जब जब भाजपा के विरोध में होंगे तब भाजपा से बिहार का विशेष सदस्य का दर्जा। जुमलेबाजी किए किसान नेता राकेश टिकैत जी भी आए, बक्सर सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी गए और सब विधायक आए। चौबे बाबा तो नमस्कार मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आजकल समाधान यात्रा पर निकले हैं, रोड मार्ग से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो रोड मार्ग से गुजरने वाले लोगों को केवल व्यवधान ही उत्पन्न होता है, रोड मार्ग से ही गुजरने वाले लोगों का नहीं, अब तो उनके लिए ट्रेन भी रोकी जा रही है। बक्सर में उनके काफिला को निकालने के लिए ट्रेन को आधे घंटे तक रोक दी गई। हमें तो लगता है कि ये समाधान यात्रा पर निकले हैं कि व्यवधान यात्रा पर निकले हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ के निवासियों का कोई समाधान नहीं हो रहा है, आम जनता को तो मिलना उनसे मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। आजकल फिर नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के राग अलापने लगे, लेकिन जब वो भाजपा के साथ सत्ता में रहते हैं तो वो भूल जाते हैं। ये कैसा उनका बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का अभियान है कि जब सत्ता में रहेंगे भाजपा के साथ तो वो नहीं मांगेंगे भाजपा से, अब जब जब भाजपा के विरोध में होंगे तब भाजपा से बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे। ये बिहार के विशेष राज्य का दर्जा हम लोग मुद्दा उठाए हैं जब भाजपा के साथ वो सत्ता में थे, क्योंकि वो भूल चुके थे और आज फिर वो मांगने लगे। ये तो हमें लगता है कि सिर्फ नौटंकी करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। मैं नीतीश कुमार जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जनता पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। कल आप बक्सर में आए थे तो देखा गया कि हर 10 मीटर पर 10 से 20 गार्ड मौजूद थे। क्या आपको अपने जनता पर भरोसा नहीं है जो जनता आपको चुनकर सत्ता में बैठाया है? आपको सिर्फ सुरक्षा बलों पर ही भरोसा रह गया है? हमें तो लगता है कि आप जनता के विश्वास खो चुके हैं। आप सोचिए कि ऐसे में आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है या नहीं। जय हिंद। विगत एक सप्ताह से हमारे बक्सर की धरती, चौसा की धरती राजनीति का अखाड़ा बन गया है, राजनेताओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया है। ये किसान जब 85-86 दिनों से धरना पर बैठे थे तो कोई इनको पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया तो बहुत सारे राजनेता यहाँ आकर अपना नौटंकी किए, फॉर्मेलिटी किए और कुछ जुमलेबाजी किए। किसान नेता राकेश टिकैत जी भी आए, बक्सर सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी गए और सब विधायक आए। चौबे बाबा तो यहाँ नौटंकी भी किए, क्योंकि चौसा में किसानों द्वारा जब क्षुब्ध थे किसान और इतने दिनों से न आने के कारण उनका बहिष्कार किए, तो बक्सर में आकर नौटंकी किए और बक्सर के बाद अब पटना चले गए हैं नौटंकी करने। लेकिन किसी से किसानों को कोई समाधान होता नजर नहीं आया। एक आस जगी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर आए हैं बक्सर में तो किसानों का समाधान कर देंगे, लेकिन वो भी आकर चले गए और किसानों का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। अब जनशक्ति संगठन अपना टीम बनाकर किसानों के साथ रणनीति बनाकर और आमरण अनशन भूख हड़ताल करेगी। इसके लिए जनशक्ति का टीम किसानों से मिल रही है और रणनीति के तहत भूख हड़ताल करेगी जब तक किसानों को
उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, हम लोग आंदोलन को और बड़ा रूप देने का काम करेंगे। जय किसान।